दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेप सी प्लस प्लस को अपने सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो सिंपल सब प्रोसेस है, अगर आप अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो या अगर ये सारे मेथड को आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप अपने सिस्टम में इस तरह के सॉफ्टवेयर्स लाइक सी प्लस प्लस को यूज़ कर पाओगे। ऐसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोड ब्लॉक यूज़ करो, लेकिन सी प्लस प्लस के लिए आप डेव को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर है, मैंने खुद पर्सनली इसे यूज़ करा है, इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को भी एक बार ट्राई करो, बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको चले आना है गूगल पे। जैसे आप गूगल पे चले आओगे, उसके फिर जो है क्या करना है आपको, आप सर्च कर लेना। तो गाइस सिंपल सा आपको गूगल पे चलाना है, गूगल पे सर्च कर लेना डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड। डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड लिख के सिंपल सा सर्च करोगे गूगल पे, उसके बाद फिर फर्स्ट जो लिंक है उस पर तो आपको क्लिक नहीं करना है, आप सेकंड वाले लिंक पर सिंपल सा क्लिक करना, डेव सी प्लस प्लस वाले पे। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और डेव सी प्लस प्लस फाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना सिंपली। तो गाइस जैसे आप क्लिक करते हो तो फिर कुछ इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सिंपल सा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर ये डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, तो ये आप देख सकते हो स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिल चुका है, और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये सब सारे प्रोसेस आपको फॉलो करना, फॉलो करने के बाद फिर कोई भी कुछ ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर कुछ एरर तो आने ही वाले। तो मैंने चाहता कि आपको कुछ एरर आए तो आप थोड़ा सा परेशान हो, उसके लिए क्या करना, थोड़ा सा वेट कर लेना, और जिस प्रोसेस में बताऊँगा वो आपको फॉलो कर लेना। तो लास्ट तक देखना वीडियो को, तभी समझ में आना होगा। ओपन करूँगा सिंपल सा, और जो प्रोसेस होते हैं इंस्टॉल करने के, सिंपल सा मैं उसे इंस्टॉल करूँगा वही सारे प्रोसेस फॉलो करके, और देखता हूँ आगे क्या क्या प्रोसेस है जो कि फॉलो करने हैं। तो बस वीडियो में मेरे साथ बने रहना। तो गाइज यहाँ पे वेलकम टू डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल प्रोग्राम, ओके ओके पे क्लिक करूँगा। उसके फिर आप देख सकते हो सेटअप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। फिर से ओके पे क्लिक करूँगा, उसके फिर आई एग्री पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना, उसके फिर बस विंडो का जो प्रोसेस होता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत ही प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता कि विंडोज़ सिस्टम इतना ज़्यादा ईजी होना चाहिए, मतलब कि बस नेक्स्ट 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 क्लिक करना होता है और ऑटोमेटिकली वो सारे वो हो जाता है, इंस्टॉल होता है। तो आप देख सकते हो डू यू वांट टू इंस्टॉल डेव प्लस, तो हाँ मैं इंस्टॉल करना चाहूँगा, तो यस पे क्लिक करूँगा, और रन, हाँ अभी मैं रन भी करना चाहूँगा, तो फिर फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मैं। और देख सकते हो आप, ये मेरी जो डेव सी प्लस प्लस है वो इंस्टॉल होने के बाद रन भी कर चुकी है।